अस्सलाम वालेकुम, मैं बनाने जा रही हूँ आज मूंग की दाल का हलवा। मैंने 1 किलो मूंग की दाल लिया है, इसे 3 पानी से धो दिया है। मैं इसे 10 मिनट उबालूंगी। इसमें मैंने 1/4 किलो खोवा, 1/4 किलो घी और हमारी 1/4 किलो शक्कर और ये 1/4 किलो खोबरा और ये हमारा 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम और 50 ग्राम मखाना और 50 ग्राम गोंद, ये सारा सामान ये हलवे में जाएगा। ये हमारी दाल को 10 से 15 मिनट हो गया है, दाल हमारी इस तरीके से गल गई है। और जो इस पे जो ये जो सफ़ेद सफ़ेद झाग रहता है, ये मैंने ऐसा बॉल में निकाल लिया है ये सारा। अब इसको मैं छान के 10 मिनट थाले में अच्छे से हवा के नीचे फैला दूंगी, ये सूख जाएगी। उसके बाद मैं इसे मिक्सर में पीसूंगी। ये 10 मिनट मैंने सुखा के इस तरह मिक्सर में इसको पीस ली हूँ मैं। इसे अभी मैं रवे के जैसा भूनूंगी, एकदम हमें जैसा रवा होता है ना दरदरा, एकदम हमें भून कर इसको वैसे ही करना है। मैं इसमें 2 चम्मच घी डालूंगी और मैं मीडियम आंच में इसको अच्छे से भूनूंगी। ये मैंने थोड़ा सा हमारा घी गरम किया है, उसमें ये मखाना डाल के मैं हल्का हल्का गोल्डन करूंगी। मैं सारे ड्राई फ्रूट को ऐसे ही हल्का हल्का गोल्डन करके निकालूंगी। हमारा मखाना गोल्डन करके मैंने निकाल ली हूँ। अब मैं ये खोपरे को भी हल्का गोल्डन करके निकाल लूँगी और इसी तरीके से काजू बादाम भी मैं हल्के हल्के गोल्डन करके निकालूँगी। ये हमारा गोंद हो गया है, मैं इसे भी निकाल लूँगी और बस अब हम हमारा काजू बादाम भी हल्का गोल्डन करके निकाल लेंगे। बस अब मैं ये काजू बादाम को भी हल्का गोल्डन करके निकाल लूंगी। हमारे सारे ड्राई फ्रूट गोल्डन हो गए हैं। ये हमारी दाल भी भूनने पर है, बस 5 मिनट लगेगा इसको भूनते हुए। मुझे आधा घंटा हो गया है, बिना हाथ रुकाए मैं इसे भून रही हूँ। अभी और 5 मिनट लगेगा बस, फिर हमारी दाल ये हो जाएगी। फिर हम इसे छानेंगे और जो मोटा मोटा इसमें से निकलेगा उसको हम वापस मिक्सर में पीसेंगे। ये जो हमने गोंद तेल में फ्राई करके निकाला था, इसे गिलास की मदद से ऐसे हमने कुचर लिया है। इसको हम कुचर के डालेंगे, अक्खा अक्खा नहीं डालेंगे। ये हमारी दाल अच्छी गोल्डन हो गई है, जो मैंने पीसा था एकदम रवे जैसा। अब हम इसे छान लेंगे और इसमें जो गांठे हैं मोटी मोटी, हम उसको वापस मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। और मैंने दूसरी साइड पे हमारा जो खोवा था उसको एकदम स्लो आंच में 2 चम्मच घी डाल के गर्म होने रख दिया है। हम इसे भी अच्छे से गर्म करेंगे। ये अब हम हलवे की चाशनी बनाने जा रहे हैं। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। हमारी शक्कर है, मैंने ये 5 गिलास शक्कर मतलब 1/4 किलो शक्कर ली हूँ, मैं ये इसमें डाल दूँगी। हम इसे शक्कर घुलने तक अच्छे से पकाएंगे, पर हमें इसमें हल्की सी तार चाहिए, हम तार वाली चाशनी बनाएंगे। हम इस तरीके से छन्नी से थाले में सारी दाल को छान लेंगे और छानने के बाद जो ये जो मोटा मोटा है, ये जो हमारा जाड़ा जाड़ा है, इसको हम वापस मिक्सर में डाल के पीसेंगे। ये जितना भी हमारा ड्राई फ्रूट था, मैंने ये चने की दाल में अच्छे से, मूंग की दाल में अच्छे से पूरा मिक्स कर दिया है। अब ये सारा जो बैटर हमारा है, इसको हम चाशनी में डालेंगे। ये हमारी चाशनी हो गई है, मैंने इसमें रेड फूड कलर थोड़ा सा डाला है। ये देखो हमारी चाशनी एक तार की हो गई है, देखो हल्का हल्का। बस अब मैं इसमें जो हमारा मसाला है वो सारा, ये सारा मैं इसमें जो हमारा बचा हुआ घी है वो भी सारा इसमें डाल दूंगी। इसमें हमारा 1/4 किलो घी गया है। बस अब इसको एक हल्का हल्का सा उसमें उबाल जैसा आएगा, हमारा हलवा बनके रेडी हो गया।
ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। मैं अब आपको ये सर्व करके बताऊंगी। हमारा मूंग की दाल का हलवा बनके तैयार हो गया है। शाबान वाले दिन हमारे घर पे ये हलवा बनता है। आप भी ये हलवा बनाए खाए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताना कैसा बना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।